Good morning, class 8. I'll teach you some flamenco pattern or flamenco style or flamenco strumming. इसमें क्या है, तुम्हारे fingers जो right hand के हैं उससे तुमको play करना है. तो राइट हैंड के फिंगर्स से प्लेक्ट्रम यूज नहीं करना. नॉर्मली हम लोग प्लेक्ट्रम यूज करते हैं और प्लेक्ट्रम यूज करते हैं, प्लेक्ट्रम यूज नहीं करना है. इसमें तुम्हें करना क्या है, फिंगर्स से स्ट्रम करना है. जो भी स्ट्रमिंग होगा वो फिंगर्स से होगा और वो उसमें तुम्हारा ये चारों फिंगर और ये फिफ्थ फिंगर जो थंब है, थंब भी यूज होगा. तो मैंने एक शेप एक कॉर्ड पैटर्न चुना है ए माइनर में और ए माइनर के कॉर्ड रिलेशन तुम्हें पता है और वो है फर्स्ट वन इज ए माइनर, नेक्स्ट इज जी, थर्ड इज एफ, फोर्थ इज डी माइनर, फिफ्थ इज सी मेजर एंड सिक्स्थ इज ई सेवन. तो फर्स्ट कॉर्ड ए माइनर का जो है वो है फिफ्थ फ्रेट, होल्ड फिफ्थ फ्रेट विथ योर इंडेक्स फिंगर, देन सेवेंथ फ्रेट ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग होल्ड विथ योर थर्ड फिंगर और रिंग फिंगर, and 7th fret 4th string little finger. तो जब first start करेंगे तो A minor से start करेंगे क्योंकि मैंने A minor chord relation लिया है आज. A minor chords में जो spelling है A minor का है वो है A, C and E. This is A C E, okay. A C E, A C E, A C E. Then G major. D D D D D. F. F A C. F A C. Then D minor. D F. C major, C E G, C E G, then E 7, E G sharp, B, और एक initial practice जो है वो है तुम्हारा ये और फिर index to little and little to index. Okay? ये practice करना, धीरे धीरे करना. ठीक है? ये प्रैक्टिस हमेशा करना, इससे तुम्हारा जो फ्लेमेंको पैटर्न है उसमें अच्छी सुधार हो जाती है और तुम्हारा फिंगर्स जो है उसका मूवमेंट अच्छा होता है. तो मैंने ये किया, फिर रिवर्स बैक, यानी इंडेक्स मिडिल रिंग लिटिल, लिटिल रिंग मिडिल इंडेक्स, इंडेक्स मिडिल रिंग little, little, ring, middle, index. तो कैसा?
ये होना है। अब जब एक पैटर्न को बजाएंगे तो सबसे पहले कॉर्ड्स होल्ड करेंगे और इनिशियल फर्स्ट फाइव स्टेप को ध्यान देंगे, फाइव स्टेप्स, दैट इज थंब, थम्स अप, यानी थम्स डाउन, थम्स अप। मैंने बताया था ना लिटिल टू इंडेक्स जाना है, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, लिटिल को ऊपर लेके आया मैं, ओके। तो थम्स डाउन, थम्स अप, फिंगर्स डाउन, थम्स अप, एक स्लैप करना है डाउन, पांच, वन टू थ्री फोर फाइव, 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 ओके। तो जब एक पैटर्न को हम बजाएंगे तो साउंड कैसा आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। ये तुम्हारा इनिशियल पैटर्न है जो एक दो तीन चार पांच। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, और इस दौरान तुम्हें कॉर्ड सब चेंज करते रहना है। फर्स्ट ए माइनर, नेक्स्ट एच जी मेजर, थर्ड एफ मेजर, फोर्थ डी माइनर, फिफ्थ सी मेजर एंड सिक्स्थ ई सेवेंथ। फिर से मैं बता दूं, ए माइनर के लिए ए सी ई, जी मेजर के लिए जी बी डी, एफ मेजर के लिए एफ ए सी, डी माइनर के लिए डी एफ ए, सी मेजर के लिए सी ई जी, और ई सेवेंथ के लिए ई जी शार्प बी डी। ओके, नाउ ए माइनर, मैंने अब धीरे धीरे सारे कॉर्ड्स चेंज कर रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट शिफ्ट टू जी, थर्ड एफ, फोर्थ डी माइनर, फिफ्थ सी मेजर, सिक्स्थ ई सेवन, हो गया। अब एक साथ अगर बजेंगे तो कैसा बजे, ठीक है। अब सब कॉर्ड को ऐड करता है, अभी मैं कॉर्ड चार कॉर्ड यूज कर रहा था, उसमें था ए, जी मेजर, एफ मेजर और ई सेवेंथ। अब मैं पूरा जो छह कॉर्ड है उसको ऐड करता हूं, यानी ए माइनर, जी मेजर, F major, B minor, E7, C major, A minor, G major, F major, D minor, C major, E7। अब पूरा जो प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे तुमको इसका स्पीड जो है वो बढ़ाना है,
इंक्रीज करना है धीरे धीरे इसके स्पीड को। तो मैं ठीक है ये कुछ प्रैक्टिस है जो तुमको धीरे धीरे इंक्रीज करना है इसका स्पीड। कॉर्ड्स तुम कोई भी ले सकते हो, मैंने अभी ए माइनर लिया है, तुम बी माइनर लो, सी माइनर लो, डी मेजर लो, कोई भी कॉर्ड्स लो और उसको प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस तुम्हारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो साउंड आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, जिसके चलते वो कहीं कहीं बजिंग साउंड आ जाता है, कहीं कहीं म्यूटेड हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखना, तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड जिससे तुम कॉर्ड होल्ड कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करो। पहले एक एक स्ट्रिंग देख लो, मेरे सारे साउंड बज, जो स्ट्रिंग के साउंड है फिर जी, फिर एफ, फिर डी माइनर, फिर ई सेवन। तो साउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज होगा क्या, तुम्हारा बजिंग साउंड आएगा, नहीं तो म्यूटेड साउंड आएगा और वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मैंने जो तुम्हें बताया स्ट्रमिंग फ्लेमिंग को स्ट्रमिंग पैटर्न में, वो है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइव टोटल फाइव है, एकदम इनिशियल में फाइव है। तो फाइव कैसे कैसे करेंगे, थम्स डाउन, थम्स अप, फिंगर्स, थम्स अप, स्लैप। तो हो गया, थम्स डाउन, थम्स अप, फिंगर्स, थम्स अप, स्लैप। ओके, अब क्वार्ट मैं फिर से एक बार तुमको दिखा देता हूं। इसका पूरा जो सेगमेंट है ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो, वन टू थ्री फोर फाइव और फिंगर्स फ्लेमिंगो पैटर्न में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।